किशोर भाई करें किशोर जी घटना यार आप सभी आ जाओ बार बार यहाँ पर ये जो नेशनल हाईवे है इस पर्टिकुलर लावेपुरे का जो इलाका है और इस इलाके में 79 बटालियन की रोड ओपनिंग पार्टी रहती है जिसका काम सभी को सेफ पैसेज देना है फोर्स की गाड़ियाँ सभी इलाके को भी सेफ रखना है लेकिन ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है हाईवे होने के कारण दुकानें भी बहुत हैं आसपास में और घर भी बहुत है लोगों का आवागमन भी बहुत ज़्यादा रहता है तो ऐसे में एक पुख्ता सुरक्षा देना अपने आप में एक चुनौती है लेकिन हम लोग यहाँ पर ये ड्यूटी बराबर करते आ रहे हैं और आज आतंकियों को मौका मिल गया और उन्होंने हमारी एक गाड़ी जो कि मोबाइल पेट्रोल कर रही थी आरोपी के बीच में उस पर अंधाधुंध फायर किया जिसमें हमारा एक जवान शहीद हुआ है दो क्रिटिकल इंजर्ड है और एक हमारा जवान जो है आउट ऑफ डेंजर है। ऐसे कोई खबर है कि वेपन स्नैचिंग की भी कोई खबर? वेपन स्नैचिंग का अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली जब हम इकट्ठा करेंगे रीऑर्ड की कार्रवाई करेंगे पता चलेगा कि कहाँ वेपन किसका गया है क्या गया है अभी तक किस तंजीम से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। जम्मू ये जो श्रीनगर बारामूला हाईवे है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है इसको गार्ड करना आपको लगता है जिस तरह का हमला हुआ है एक चिंताजनक विषय है? बिल्कुल चिंताजनक विषय है और जो भी इसमें एहतियाती कदम होंगे वो हम उठाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी इसमें लूपहोल्स रह गए हैं उनको हम प्लग इन किया। तो आपको लगता है कि श्रीनगर में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है और जिस तरह से पैदल वो निकले हैं जो आप बोल रहे हैं ये उन्होंने कोई वाहन यूज़ किया था या पैदल ही यहाँ से फरार हुए? नहीं, आप जो घटना स्थल के आसपास में कई लेंस और बाई लेंस हैं और उन्होंने भागने के लिए उन लेंस बाई लेंस का इस्तेमाल किया है पीछे एक बंड है बंड के रास्ते हो सकता है वो कहीं और वहाँ पर उन्होंने गाड़ी रखी वो और वो पूरी प्लानिंग के साथ में आए थे और इसी के साथ में वो यहाँ से निकल गए क्योंकि इस एरिया को तो हमने पूरी तरह से सर्च कर लिया है कॉर्डन करने के बाद। सर क्या और प्रयास किए जाएंगे ताकि सिक्योरिटी हाईवे पे? बिल्कुल सिक्योरिटी को जो है हम और भी पक्का करेंगे और इसके लिए और भी जो जरूरी कदम होंगे वो जल्दी उठाए जाएंगे। थैंक यू।